हमारे चैनल की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने इसी का एक फर्स्ट चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि किसी एक अंक का दो बार प्रयोग करके चार अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। ठीक है, इसका एक अंक का किसी भी इसमें से एक अंक लेना है और उसके दो बार प्रयोग करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है चार अंकों की, और जबकि इसमें दिए गए हैं तीन अंक। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। इसमें है जैसे 387, तो बड़ी संख्या के लिए बड़ा अंक लेंगे और इसका दो बार प्रयोग करेंगे, सो 73। ठीक है, तो ये हो गया 8873 हो गया, ये बड़ी संख्या हो गई, सबसे चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई ना, 8873 बन गई। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि हम सात क्यों नहीं ले सकते, हम 8 और 7 7 क्यों नहीं बना सकते। अब देखिए कि इसने क्वेश्चन में कहा कि किसी एक अंक का दो बार प्रयोग करके चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए। अब इन दोनों में अंतर कीजिए, 8873 ये बड़ी होगी और जबकि ये छोटी होगी 8773, इसलिए इसको नहीं लिया जा सकता, इसलिए यही लिया जा सकता है 8873। ठीक है, और अब इसमें छोटी संख्या बनाएंगे इसी प्रकार से, छोटी संख्या लेंगे। छोटी संख्या लेने के लिए हम क्या करेंगे, छोटी संख्या लेने के लिए हम छोटा अंक लेंगे, 3 और 7 और 8, और यहाँ पर डबल आर 3 हो जाएगा, 3 3 7 8, 3378 हो जाएगा। ठीक है, और अब इसमें ये क्वेश्चन उठता है कि हम 7 को क्यों नहीं ले सकते, 7 7 लेंगे और ये लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3778, और ये हो गया 3378, तो ये छोटी होगी और जबकि ये बड़ी होगी। जबकि क्वेश्चन में लिखा गया है कि चार अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें किसी भी एक अंक का दो बार प्रयोग हो, और जबकि इसमें हमने दो बार प्रयोग करने से ये क्या होगी, बड़ी संख्या बन गई, इसलिए इसको लेंगे और इसको नहीं लेंगे। इसलिए चार अंकों की सबसे बड़ी होगी 8873 हो गया, और छोटी संख्या होगी 3378 हो गई।